आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। पक्ष है तथागत ट्रेवल्स के संचालक श्री राजा मेश्राम जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी समर वेकेशन शुरू है तो किस प्रकार के टूर्स आपकी एजेंसी ऑर्गेनाइज करती है, क्या हालात बने हुए, उस बारे में बताइए। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार और काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी दो साल से कोरोना की वजह से सारे लोग अपने घर में बंद पड़े हुए थे, लोगों में उत्साह जगा हुआ है और वो काफ़ी अलग अलग जगहों की, जैसे कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, इधर कश्मीर हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल हो गया, स्पेशली नॉर्थ के बेल्ट की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही ये समर के वजह से। हालांकि ये भी देखा गया है कि ये जो समर है इस बार बहुत भयानक है, काफ़ी गर्माहट गिर रही है, लोगों को अभी कुछ लेजर टाइम मिला है तो लोग आउट ऑफ सिटी निकलना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि लोगों का प्रायोरिटी सेक्टर किस दिशा में जाता है, उस बारे में बताइए। हाँ जी, इस बार जो देखने में आया कि कश्मीर और अरुणाचल ये बहुत ज़्यादा डिमांड पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हिमाचल आ रहा है, उसके बाद में उत्तराखंड आ रहा है, इसके बाद रिलीजियस टूर में चारधाम आ रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी हुई है। नॉर्थ के बेल्ट में हिमालय जो क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ वगैरह फैली हुई है, वहाँ के उस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। हालांकि ये भी देखा गया कि काफ़ी लोग बल्क बुकिंग भी करते हैं, ऐसे में यदि बल्क बुकिंग आपके यहाँ पे वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस तरह के फैसिलिटीज आप देते हैं, कि आप लोगों का रूट रहता है, उस बारे में आप बताइए। सर, ये तो है ना प्री प्लान टूर होते हैं, जैसे हम लोग स्पेशली ग्रुप बुकिंग करते हैं, इसमें कस्टमर जो होता है, जो टूरिस्ट होता है, उसको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जो खाना होता है वो घर जैसा होता है, होटल ये सुपीरियर कैटेगरी के होते हैं, और आप जैसे कि सर्वविदित है कि हम लोग रात्र प्रवास बिल्कुल नहीं करते हैं, और टूर एकदम कंफर्टेबल होते हैं, जो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अत्यावश्यक भी है कि वो जो थके नहीं और ना ही बीमार पड़े। और जैसे हम लोग बाकी लोग भी देते हैं, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट है तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिशेज होती है उसके अंदर, दोपहर का लंच होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, हाइजीन होता है, रात के जो खाने होते हैं वो वेज नॉन वेज के साथ में होते हैं और उसमें भी काफ़ी वैरायटी होती है, लेकिन खाने पीने के मामले में हमारे जो क्लाइंट है वो काफ़ी खुश रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स है वो टूर ऑपरेटर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जाने में हैसल फ्री प्रवास होता है, लेकिन कस्टमर्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए वो कंपनी कितनी पुरानी है, कितना एक्सपीरियंस है, उनके फीडबैक क्या है, ये सारी जानकारी की तफसील से जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद अपना टूर बुक करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, अनएक्सपीरियंस पर्सन होगा या एमेच्योर होगा, उसको किलोमीटर नहीं मालूम, उसके होटल्स बुक नहीं है, फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब इधर के लेवल की बात की जाए तो जो तथागत ट्रैवल्स है काफ़ी चर्चित है, काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके ट्रैवल्स की मांग डिमांड रोज बढ़ते जा रही है, तो आप जो ये ट्रैवल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मतलब पर्टिकुलर बल्क बुकिंग में या कंपनी के लिए, तो किस तरह के फैसिलिटीज एमिनिटीज, किस तरह का कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलोअप किया जाता है, उस बारे में भी बताइए। जी, कोरोना प्रोटोकॉल का हम पहले से ही पालन कर रहे हैं, और जिसके जैसे हाइजीन होते हैं वो सैनिटाइज करते हैं बस को, मास्क पहनने के लिए बोलते हैं लोगों के लिए, और प्रिकॉशन लो भाई ये बोलते हैं, और होटल भी थोड़े आइसोलेटेड होते हैं, मतलब लोग की ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, मतलब किसी को इन्फेक्शन ना हो, इस सारे बात का ख्याल रखते हैं हम लोग। आफ्टर कोविड अब लोग जबकि दो साल से घर में कैद थे, अब बाहर निकल गए, लोगों को लगता नए नए डेस्टिनेशंस में जाना चाहिए, तो किस तरह से मांग उठ रही है मार्केट में, उस बारे में बताइए। सर, डिमांड तो बहुत आ रही है, रोज लगभग काफ़ी फ़ोन बजते हैं और कस्टमर इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई हमको नेपाल चाहिए, हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कुल्लू मनाली चाहिए, अरुणाचल चाहिए, लेकिन इस बार जो देखने में आया सबसे ज़्यादा जो डिमांड बनी हुई है वो नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई है, जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल के टूर की। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो तथागत ट्रैवल्स है, लोगों की डिमांड है कि उन्होंने अपनी फ्लीट बढ़ाना चाहिए और भी एडिशनल फैसिलिटीज
देना चाहिए, तो उस बारे में आपका कुछ आगे का दृष्टिकोण है क्या? जी सर, हम अपने आप में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं। जैकि जो ट्रेडिशनल ट्रेवल्स वाले हैं वो क्या करते हैं, कटोरे पर पोहे दिए हुआ उनका नाश्ता, उनके मुकाबले में अपने ब्रेकफास्ट में कम से कम 12 से 13 प्रकार की डिशेस रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, इसके अंदर कम से कम 2 टाइप के स्नैक्स, उबले हुए अंडे, फ्रूट सलाद, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ये बफेट में ब्रेकफास्ट होता है। दोपहर का खाना जो होता है वो सादा होता है, मतलब दाल सब्जी रोटी चावल अचार पापड़ मट्ठा, ये चीज़ें होती है। रात का जो मेनू होता है इसके अंदर कम से कम 13-14 प्रकार की डिशेस होती है, वेज नॉन वेज के साथ में। तो इस तरह से हमने अपने आप में इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ, बाकी लोग एज इट इज़ वही चल रहा है, जो ट्रेडिशनल फूड होता है वही दे रहे हैं, या ट्रेडिशनल ट्रैवलिंग होती है, लेट नाइट पहुँचना, ओवरनाइट जर्नी करना, ये सारे बातें हम लोग नहीं करते हैं, हम कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आपने जैसा बताया कि हर तरफ फैसिलिटेट करके ऑर्गेनाइज आप करवाते हैं टूर्स, जैसा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि बैड एक्सपीरियंस भी आते हैं कि ये ट्रैवल्स वाले ने हमको ये सुविधा नहीं दिया, ये टूर ऑपरेटर्स ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करा, हालांकि इस सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है। अब हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि उन्हें प्रत्यक्ष आपसे संपर्क करना है तो पर्टिकुलर आपका ऑफिस कहाँ पर है उस बारे में आप बताइए। जी, ये ऑफिस है तथागत ट्रेवल्स, राहुल कॉम्प्लेक्स नंबर 1, अपोजिट यात्री होटल, ST बस स्टैंड के पास, गणेशपेट, नागपुर 18 में हमारा ये ऑफिस स्थित है। और ऑफिस टाइमिंग है हमारा 10 से रात को 8 बजे तक। और वैसे अगर किसी को ज़्यादा की सुविधा चाहिए तो मुझे प्रत्यक्ष फोन पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके मैं उन सभी की जो प्रॉब्लम होगी रास्ते की वो सॉल्व कर सकूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब हमारे ग्रुप में ही है, हमारे टूर में ही है, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपनी हेल्प असिस्ट कराते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो गए, चाहे संस्था हो गए, या आपसे कोई बल्क बुकिंग बुक करना चाहे, ग्रुप बुकिंग आपके साथ शेयर करना चाहे, या आपकी सर्विसेज हायर करना चाहे, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा, क्या आह्वान करूँगा? सर, मैंने इसके पहले भी कहा था कि किसी भी ट्रेवल्स कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो देखो, उनके फीडबैक देखो, उसके बाद अपना जो टूर है वो डिसाइड करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तथागत ट्रेवल्स की स्थापना 1975 में स्वर्गीय KT विश्राम गुरु जी ने करी है, जिसकी वजह और ये लेगेसी अभी जो हमारा जो बिजनेस है वो 3G पे पहुँच गया, देन 3rd जनरेशन पे पहुँच गया है। मतलब हम हमारी कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है, और हमने जितने भी अपने अंदर जो इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है एक्सपीरियंस की वजह से किया हुआ है। अभी तो नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से उन्नति की ओर चल पड़ी है हमारी कंपनी। ठीक है सर, थैंक यू।